एम पीयूष एंड वेलकम टू माय चैनल पीयूष तोमर ब्लॉग्स। तो मैं आया हुआ हूँ अभी देहरादून में, आप देख सकते हैं सुबह 7:30 बजे में सुबह का मॉर्निंग का वक्त हो रहा है और धूप निकलने को रेडी हो चुकी है, सूरज निकलने के लिए। जैसा थंबनेल से आपको पता लग चुका होगा, आज का ट्रिप होने वाला है हमारा धनौल्टी के लिए जो ट्रिप है, हम जाने वाले हैं भाई स्कूटर। तो मैं और मेरा कज़न ब्रदर साथ में, हम दोनों निकलने वाले हैं यहाँ से। तो अभी मैं ऐसे ही उठाऊँ, सुबह ठंड बहुत ज़्यादा हो रखी है, अभी हमें रेडी होके बस निकलना है। तो बस मैं उठ के आया हूँ, तो यहाँ से हम ट्रिप स्टार्ट करेंगे अपना धनौल्टी के लिए। ठंड इतनी ज़्यादा है कि मेरे मुँह से ना स्मोक निकल रहा है। तो मिलते हैं दोस्तों रेडी होके, अभी थोड़ा ठंड लग रहा है, नहा के आपको मिलता हूँ मैं रेडी होके, और उसके बाद में करते हैं स्टार्ट ट्रिप को। सो गाइज, वी आर रेडी टू गो फॉर द ट्रिप। और देख सकते हैं आप, धूप निकल चुकी है बेहतरीन तरीके से, सनलाइट आप मेरे चेहरे पे देख सकते हैं बेहतरीन। अभी हमारी स्कूटी रेडी होने वाली है, दिखा देता हूँ आपको क्या चल रहा है, बस निकलने वाले हैं अभी हम। तो ये हमारी स्कूटर हमारा रेडी हो चुका है, ये भाई है मेरे साथ में, हम दोनों जाने वाले हैं, ये मेरे कज़न ब्रदर है, तो ये हमारी स्कूटर है, ठीक है, इससे हम निकलने वाले हैं। और ये रात भर भीगा है, अब देखते हैं स्टार्ट करेंगे इसको, एक बार में होता है नहीं होता, और इसी के साथ हमको ट्रिप करनी है, इसका साथ बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो चलते हैं, बैठते हैं इसके पीछे, धूप बहुत तेज़ है, तो हम लोगों ने अभी कुछ भी नहीं, ब्रेकफास्ट भी नहीं करा, तो रास्ते में हम ही ब्रेकफास्ट करने वाले हैं। 1.5 घंटे का रास्ता है यहाँ से, अभी हम रामपुर रोड पर रुके हुए थे, तो यहीं से निकलने वाले हैं। तो ये रोड पर आ चुके हैं अभी हम, जय हिंद दोस्तों, और ये ट्रिप चलती रहेगी, ऐसे ही मज़ा आने वाला है काफ़ी। तो दोस्तों अभी पेट्रोल पंप पे हम अपनी गाड़ी स्कूटी को लेके आ चुके हैं, तो यहाँ पे पेट्रोल भरवा रहे हैं। और मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, ये स्कूटी जो हमारे फ्रेंड की है, तो हम इसमें हमको कोई भी रेंट पे नहीं करना है, लेकिन आपको अगर आना है यहाँ पे, अगर आपको रेंटल आपको बाइक या स्कूटी कुछ चाहिए, तो उसके लिए आपको 500 से 700-800 रुपये तक का यहाँ पे करना पड़ेगा, और पेट्रोल भी अपनी तरफ से आपको रखनी पड़ेगी। बाकी आपको यहाँ पे होटल स्टे करना है, तो उसके लिए भी आपको 1000 से 1500 रुपये या 2000 तक भी खर्च हो सकते हैं आपके, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का होटल लेते हैं। क्योंकि देहरादून में काफ़ी बड़ी सिटी है, ये उत्तराखंड की कैपिटल है, तो यहाँ पे आपको होटलों की कोई कमी मिलने वाली नहीं है, तो बहुत अच्छी सिटी है। और आपको तो पता ही है, वादियों में बसा हुआ पूरा शहर देहरादून, देवभूमि के नाम से भी इसको जानते हैं पूरे उत्तराखंड को। तो उसके बाद में पेट्रोल डल चुकी है, तो आगे चलते हैं फिर हम और दिखाते हैं आपको। तो अभी हम लोग राजपुर रोड पर चल रहे हैं, तो यहाँ पर अभी टाइम जो हो रहा है, इस वक्त हो रहा है सुबह के 8:44 हो रहे हैं, तो हम इससे आधे घंटे पहले घर से निकले हुए हैं, और यहाँ पे आप निकल सकते हैं, इससे पहले भी निकल जाएंगे तो कोई आपको रस नहीं मिलेगा यहाँ पे, अभी खाली रोड पड़ी हुई है, अगर आप लेट जाते हैं तो हो सकता है रस मिलने के चांसेस हैं। आप उसी रोड से आपको जाना, देखिए ये आपको अलग ही लेवल के जो व्यू हैं आपको देखने को मिलते रहेंगे, अभी ये तो बस शुरुआत है, और आप देखते चलिए मज़ा आने वाला है आपको। तो देखिए दोस्तों क्या नज़ारे, रोड भी यहाँ पे बहुत ही अच्छे बने हुए हैं, एकदम क्लीन एंड चिट। तो देहरादून भी काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे आप आ सकते हैं, और आपको अगर ठंड पसंद है तो इधर आप कॉलेज में भी एडमिशन ले सकते हैं। और अब इसके मौसम का हाल जान लेते हैं, यहाँ पे क्या है, मौसम का जो रहता है वेदर का कोई पता नहीं रहता कब क्या है, यहाँ पे बारिश का धूप का कोई पता नहीं रहता, कभी भी यहाँ पे बारिश हो सकती है। तो आप अगर आ रहे हैं तो फुल तैयारी के साथ आएँ, अपना ट्रैक सूट जो भी है विंडचीटर आप लेके आएँ अपनी, जिससे कि आपको आगे कोई दिक्कत ना हो रास्ते में। देखिए वादियाँ हरी हरी पहाड़ों की दिखना शुरू हो गई हैं, और ये धनौल्टी का रास्ता आप देख सकते हैं, वे टू धनौल्टी, मसूरी और धनौल्टी दोनों के लिए रोड जाता है, जैसा कि आपको ये साइन बोर्ड देखने को मिल रहा है, सहस्त्रधारा मसूरी और धनौल्टी। तो आगे क्या रहता है, अगर मसूरी जाना चाह रहे हैं तो मसूरी से भी आप धनौल्टी जा सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट आप धनौल्टी जाना चाहते हैं, धनौल्टी भी अलग से रास्ता कटता है, तो वहाँ से भी आप जा सकते हैं अगर आपको मसूरी नहीं जाना है तो। रोड है मसूरी और सहस्त्रधारा के लिए, ये वाली रोड जाती है, ये आपको मसूरी और सहस्त्रधारा जाएगी, और ये वाली रोड धनौल्टी जाने वाली है। तो ये नज़ारा आप देख सकते हैं पानी का, कितना प्यारा सीन है। अरे बैठने तो भैया मुझे, बैठिए मित्र, चलिए भाई। तो ट्रिप का आनंद लो हमारे साथ साथ, हम तो ले ही रहे हैं पूरा आनंद। ठंड बहुत है लेकिन अभी धूप है, तो यहाँ पर ठंड का हमें एहसास नहीं हो रहा है,
लेकिन जब धूप चली जाएगी तो आपको एकदम कड़कड़े वाली ठंड आपको देखने को मिलेगी, इसीलिए आप अपनी फुल तैयारी के साथ आए। तो अभी हम रुके हुए हैं यहाँ पे, ये ढाबे में फास्ट फूड है, यहाँ पे हमको ब्रेकफास्ट करना है, हमने सुबह से कुछ खाया नहीं। थोड़ी पहाड़ों में आके आलू के पराठे खाने का जो मजा है वो कहीं नहीं है, तो आलू के पराठे हमने लगवा दिए। तो ये ब्रेकफास्ट हमारा रेडी हो चुका है, हम दोनों भाई बैठ चुके हैं, ये पराठा आ चुका है, तो गरम गरम भाई ने बोला है पराठे खिलाने के लिए। तो अभी एक पराठा है हमारे पास, टेस्ट करके देखा बहुत ही लाजवाब है, कि यहाँ पे आपको दाल मिलती है, पराठा मिलता है, चटनी मिलती है, अगर दही लेना चाहें चाय लेना चाहें आपको वो भी मिल जाएगा। अच्छा पराठा भाई का। दोस्तों आ चुके हैं वो टेढ़े मेढ़े रास्ते आपको गोल गोल घुमाने वाले, देखिए और नज़ारे आपको अब देखने को मिलते रहेंगे, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है वो, ऐसे रास्ते आपको मिलने वाले हैं। इधर बस से भी आप आ सकते हैं, बस भी जाती है ऊपर। देखिए लिखा भी हुआ नज़र हटी दुर्घटना घटी, तो नज़र को आप बनाए रखें रोड पे ना कि गलत जगह। तो दोस्तों ये नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है, ये है राजपुर, देखते हैं बहुत बड़ा मतलब एक सिटी बसी हुई है यहाँ पर, बहुत ही लाजवाब है, आप देखेंगे तो मज़ा आ जाएगा देखने में एक नंबर। मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों में खो गया, उससे मिले हुए मुझको तो एक अरसा हो गया, तो मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों में खो गया। तो दोस्तों जब पहाड़ों के हम साइड में आ जाते हैं, जब यहाँ पे छाव आ जाती तो यहाँ पे इतनी ठंड लगती है कि आपके हाथ एकदम सुन हो जाएंगे, चेहरा एकदम लाल हो जाएगा ठंड की वजह से, लेकिन जैसे धूप आती है तो आपको अलग ही मज़ा आ जाता है। तो गाइस यहाँ से भी बोट मिला है हमें, मसूरी का जो रास्ता है वो केवल 9 किलोमीटर बचा है, और यहाँ पे भट्टा फॉल भी हमने क्रॉस कर दिया है, और उसके बाद में मसूरी का सीधा रोड हम चल रहे हैं आगे। तो दोस्तों हमने मसूरी का जो 2 किलोमीटर का ट्रैक था मसूरी जाने के लिए हमने क्रॉस कर दिया, अभी हमने धनौल्टी वाला ट्रैक पकड़ लिया है अपने लिए, हमें धनौल्टी जाना है क्योंकि हमें वहाँ पे आइस फॉल देखनी है, तो वहाँ पे जाते हैं। और ये शॉर्ट रास्ता था, हम उससे नहीं आए क्योंकि हमें सफ़र का मज़ा लेना था, क्योंकि जो असली मज़ा जो होता है वो सफ़र का होता है, रास्तों का होता है, तो हम रास्तों की वजह से हमने एक लंबी ट्रिप बनाई और हम मसूरी होते हुए धनौल्टी के लिए जा रहे हैं। तो आप भी आ सकते हैं अगर आप रास्तों के सफ़र के शौकीन हैं तो। दोस्तों ये है वो मसूरी का व्यू, आप देख सकते हैं क्या लुक्स आ रहे हैं एक नंबर वाले, बेहतरीन यहाँ पे व्यू आ रहा है, नज़ारा लाजवाब है। अगर आपके पास वक्त है तो आप पहले मसूरी की ट्रिप कर सकते हैं, उसके बाद में धनौल्टी, या फिर पहले धनौल्टी उसके बाद में मसूरी की ट्रिप भी कर सकते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं धनौल्टी के रास्ते पर, चल रहे थे तो हमें रास्ते में एक व्यू मिलता है बहुत ही बेहतरीन, जो फर्स्ट व्यू मिलता है धनौल्टी के लिए वो आपको सामने दिख रहा होगा, नज़र आ रहा होगा, फिर पहाड़ों का बर्फ छाया हुआ, यहाँ पे पहाड़ियाँ भी लदी हुई हैं बर्फ की चादर से। कैमरे में इतना अच्छा नहीं दिखागा आप लोगों को फिर भी, मगर जो आंखों से देखने में जो व्यू आ रहा है ना, माइंड ब्लोइंग एक नंबर, मज़ा आ जाएगा। यहाँ पे कितने सारे लोग खड़े हैं फोटो खिंचा रहे हैं, बढ़िया है भाई। तो ये यहाँ पे बहुत सारे लोग रुके हुए हैं, यहाँ पे अपना ये स्पॉट है तो रुकने के लिए, यहाँ पे आप अपना फोटो शूट वगैरह करा सकते हैं। तो गाइस हम लोग धनौल्टी पहुँचने वाले हैं थोड़ी देर में, और यहाँ पे बर्फ़ मिलना हमें दिखना शुरू हो गई है, लेकिन यहाँ पे बहुत अधिक कमी बहुत कम बर्फ़ है, लेकिन लोग अभी इसका भी आनंद ले रहे हैं रास्ते में जगह जगह रुक के, लेकिन हम लोग फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुँचने के बाद ही मज़े लेंगे, जहाँ पे हमें जाना है धनौल्टी, जहाँ पे सबसे ज़्यादा बर्फ़ मिलने वाली है हम लोगों को। तो ये जो बर्फ़ गिरी हुई है, काफ़ी बर्फ़ गिरी हुई है यहाँ पे भी, लेकिन हम लोग यहाँ तक रुकने वाले नहीं हैं, इतनी दूर से आए हैं, हम लोग लंबी रेस के घोड़े हैं तो हम बहुत लंबा जाने वाले हैं। ये देख सकते हैं ये रोड में साइड में ये बर्फ़ गिरी हुई है, रोड पे भी यहाँ पे फिसलन हो रखी है, तो इसीलिए हम लोग सब लोग धीरे धीरे चल रहे हैं। देखिए काफ़ी बर्फ़ है रोड पर, थोड़े खड्डे भी हैं और गीली सड़क हो रखी है बर्फ़ की वजह से। दोस्तों ये देख सकते हैं आप देवदार के पेड़ खड़े हुए हैं बड़े बड़े, और यहाँ पे भी बर्फ़ पड़ी हुई है, और यहाँ पे ये देख सकते हैं आपको ये बोर्ड लगा मिला है नई टिहरी 43 किलोमीटर, चंबा 32, और सुरकंडा देवी जो टेंपल है 9 किलोमीटर यहाँ से लेफ्ट है। तो अभी हम पहुँचने ही वाले हैं, तो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं इको पार्क के सामने,
बाइक पार्क कर दिया, उससे पहले हम जाने से पहले मैगी खाते हैं। तो मैगी खाने के बाद में इको पार्क का आनंद लेते हैं और आपको दिखाते हैं, तब तक के लिए इंजॉय। तो ये इको पार्क के सामने हमारी मैगी बन के तैयार हो चुकी है, हम इसको खाने वाले हैं, सीधा पेट में जाएगी, उसके बाद मामला ठंडा हो जाएगा, उसके बाद में मामला ठंडा हो जाएगा। गरम गरम खाओ और बाद में मामला ठंडा कर लो अंदर। मस्त मैगी है पहाड़ों वाली। तो दोस्तों ये है, यहाँ पे देख सकते हैं कितनी खतरनाक बर्फ़ गिरी हुई है धनौल्टी के अंदर, और ये यहीं पे जाने वाले हैं हम अंदर। ये असली मजा। तो दोस्तों ये दो दिन पहले की बर्फ गिरी हुई है और यहाँ पे देख सकते हैं कितनी बेहतरीन बर्फ पड़ी हुई है, अभी तक जमी हुई है यहाँ पर। तो जितना भी आगे आप चलते चले जाएंगे आपको बहुत ही ज्यादा अलग ही आनंद आने वाला है, और भी ज्यादा बर्फ मिलने वाली है। यहाँ पे देखो कितनी बेहतरीन बर्फ है। आहा वाह 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 आहा। वाह 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 बोल वाह 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 भाई देख के रहा हूँ, ऊ के चक्कर में अपना रायता ना फैल जाए कहीं। यहाँ पे हमें जाना, देखो यहाँ पे सारी बर्फ ही बर्फ चारों तरफ गिरी हुई है। यहाँ पे बहुत ही कम लोग पहुँच पा रहे हैं, वो पहले ही अपना आनंद लेके चले जा रहे हैं, असली जगह पे वो पहुँच ही नहीं पा रहे, इसलिए हम आए हैं कि आप जा सको वहाँ पर। ये इनके खुद के पर्सनल रिजॉर्ट्स हैं, इन्होंने स्टोर करके रखी हुई है बर्फ। तो गाइस फाइनली हम बर्फ में आ चुके हैं। देखिए बर्फ, अब मैं आपको दिखाता हूँ क्या बेहतरीन बर्फ है, वाइट वाइट, क्या मजेदार। थोड़ी देर यहाँ बैठता हूँ, फिर आपसे कुछ बातें करता हूँ, तो फिर चलते हैं यहाँ से। बहुत पैर घुस गए मेरे, कितनी बर्फ है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आया हुआ हूँ, यहाँ से धनौल्टी से हम आगे आ चुके हैं। यहाँ पे सरकुंडा देवी का टेम्पल है पास ही में, तो यहाँ से 1 किलोमीटर है वो केवल, और वहाँ पे एक्चुअली इसलिए जा पा रहे हैं, ऊपर जाना था हम लोगों को, कि वहाँ पे बर्फ ना बहुत ज़्यादा जमी हुई है, 4-4, 5-5 फीट वहाँ पे बर्फ़ जो जमी हुई है, तो उसमें वहाँ पे जाने जा सकते हैं, लेकिन जो वहाँ का जो वे है वहाँ पे भी बर्फ़ जमी हुई है हल्की हल्की, तो वहाँ पे रपटना फिसलन हो रखी है, तो इस चक्कर में वहाँ पे जाना थोड़ा रिस्की है। तो मेरा भाई भी आ चुका है यहाँ पे, ये देखो बर्फ़ आप देख सकते हैं क्या बेहतरीन बर्फ़ है, अलग लेवल का यहाँ पे स्वैग है बर्फ़ में। और मैं आपको बर्फ़ हाथ में लेके दिखाता हूँ, क्या मज़ा है बर्फ में, इसी को देखने की दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ धनौल्टी में। और यहाँ धनौल्टी में से ज़्यादा कुछ नहीं है, एक उसके बाद सरकुंडा देवी माता का मंदिर है जो कि बिल्कुल टॉप एज पे है, और सरकुंडा देवी का जो टेम्पल है माता का वहाँ से वो लास्ट है, वहाँ से उसके बाद वहाँ उस एंड से आपको चाइना का जो बॉर्डर है वो आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट टाइम जब आएंगे यहाँ पे तो आपको ज़रूर वो दिखाने वाले हैं, और नेक्स्ट टाइम बहुत जल्दी होने वाला है हमारा। लेकिन अभी जो है मज़ा फुल्ली आ रखा है यहाँ पे, ये देखिए क्या बर्फ़ बहुत ठंड हो रखी है। तो भाई हम लोग थोड़ा सा ना एंजॉय कर लेते हैं बर्फ़ से, भाई के ऊपर मैं बर्फ़ फेंक देता हूँ, ये 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 जूते में घुस गई, यही तो चाहिए अपन को। अरे यार भाई बर्फ घुसा दी भाई ने अंदर, तक चली गई है, मेरे सारे कपड़े उतारने पड़ेंगे मेरे को। पुष्पेंद्र भाई के कपड़ों के अंदर घुस गई वो, ऐसे अब मेरा इरादा नहीं था कपड़ों के अंदर डालने का, अंदर से ऐसा चिरमिरी मच रही है भाई को तकलीफ बहुत हो रही होगी, बताता हूँ तुम्हें। अबे मत करियो बंदन, एक सेकंड रुक जाओ। तो गाइस बड़ी मुश्किल से होश में आया हूँ मैं, इस बर्फ में से निकले, कितनी प्यारी बर्फ है यहाँ पर, तो मैंने तो इसका आनंद ले लिया, आप भी हैं इसका आनंद लें। इस वीडियो के साथ लेते हैं विदा, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, और कमेंट करके बताएं कि ये कैसी लगी आपको वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।